कैसे हैं आप लोग? जो आवाज आ रही है वालेकुम मेरी, सलाम मैम, ठीक आप पास कैसी हैं? आ रही है आपके? जी बच्चों, असाइनमेंट का आप लोगों को समझ आ गया है जो सबमिट करानी है? बहुत से लोगों ने तो करा भी दी, जिन्होंने नहीं कराई तो आप फिर सुन लें कि हैंड रिटन होनी चाहिए, जितने 2 के पॉइंट बात है लेक्चर से बनाए या बुक से बनाए, जहां से भी देख के तो आप लोगों ने असाइनमेंट जो 2 के पॉइंट बात लिखनी है। जो आवाज आ रही है ना, मैम, डायग्राम लेड पेंसिल से बना सकते हैं? बच्चे डायग्राम लेड पेंसिल से बना सकते हैं? डायग्राम्स कुछ ऐसा जो बनानी नहीं है, लेकिन देखें जो आपको लगता है कि रेलेवेंट है आप कर लें। ओके मैम। एंटी डायबिटिक ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज क्या होती है? आम जबान में जिसे कहते हैं कि शुगर का मरीज है, डायबिटीज कहते हैं। हमने हमेशा से मैम, पढ़ा आपकी होगा आवाज नहीं आ रही। बेटा, बिल्कुल ही नहीं आ रही। आ मैम, रही है? आपकी आ रही आवाज है, बहुत दूर से आती है, ऐसे लगता है। डिस्टॉर्शन हो रही है। आप अपने मोबाइल पे कनेक्ट कर ले, जिस तरह हमने एक दफा पहले किया था ना, वैसे कर ले। मोबाइल पे इंटरनेट नहीं बेटा, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। मैं दोबारा कनेक्ट करूं? मिस, आपकी आवाज ना एक्को हो मैम रही है आ बहुत रही है? ज्यादा। मैम, आवाज आती है लेकिन बहुत दूर से आती है। एम्प्टी क्लासरूम्स में ऐसे ही आवाज आती है। मैम, आप अपने मोबाइल पे कनेक्ट कर लेना प्लीज। यस मैम, प्लीज। बेटा वो इंटरनेट का इशू है उसमें। हाँ जी, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। डायबिटीज की हमने बात की कि क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या क्या आ जाता है। हाइपर ग्लाइसीमिया है, यानी शुगर की अमाउंट, ग्लूकोज की अमाउंट बॉडी में ज्यादा है। ग्लाइकोस यूरिया है, यानी यूरिनेशन ज्यादा है। और कीटोनीमिया है, यानी कीटोन बॉडीज की अमाउंट जो है वो ब्लड में ज्यादा हो गई है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, होता किस तरीके से है कि जो कैपिलरीज है हमारी, उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिकेंड होना शुरू हो जाती है। जब वो थिक हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ल्यूमिन शॉर्ट हो जाता है। उस शॉर्ट ल्यूमिन की वजह से दूसरी चीज और क्या हो रही होती है साथ साथ में, कि प्रोलिफरेशन सेल्स की इंक्रीज हुई हुई होती है, यानी सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, 1 से 2, 2 से 4। उसकी रैपिड डिवीजन की वजह से वहां पे जो है एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एथिसक्लेरोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हुआ है, वाइड स्प्रेड पैथोलॉजिकल चेंज क्या हुआ, थिकनिंग हुई कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से वेसल वॉल का मैट्रिक्स बढ़ गया है और सेलुलर प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज हुई है। वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आई हैं? ल्यूमेन की नैरोइंग हुई है, अर्ली एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, स्क्लेरोसिस हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और पेरिफेरल वस्कुलर इंसफिशेंसी हो गई है। इसके अलावा क्या होता है कि जो टिश्यू प्रोटीन्स थे वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी वहाँ पे भी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन थी वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हायर कंसेंट्रेशन आ जाती है। और क्या होता है कि जो लार्जर अमाउंट है सॉर्बिटोल की वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जो कि ग्लूकोज की एक रिड्यूस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये भी डायबिटीज में एक रोल प्ले करती है। क्या क्या सिम्टम्स होंगे? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, विजन ब्लरी होगी, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट है जो हमने कहा मैम, वो पेरिफेरल। आज नहीं आ रही। बेटा थोड़ा सा एको है तो वो बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, आप लोग हैंड्स फ्री लगा लें। टिंगलिंग मैम आ रही है बिल्कुल सही आवाज। हैंड्स एंड फीट हो रही है, उसकी रीजन क्या है कि पेरिफेरल वास्कुलर इनसफिशिएंसी, यानी कि जो पेरिफ्रीज होती है, फिंगर टिप्स हैं, टोज हैं, वहां पे हमारे ब्लड सप्लाई ही इनसफिशिएंट हुई होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। सडन वेट लॉस है, उसके अलावा हंग्री होगा हमेशा पेशेंट, थर्स्टी होगा हमेशा, वूंड्स जो है उनकी हीलिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और विजन जो है वो ब्लर्ड आ रही है।
ग्लाइकोसीरिया यानी यूरिनेशन क्यों ज्यादा हुई है, उसकी क्या रीजन होती है कि ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो गया। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई, ग्लूकोज की ज्यादा फिल्ट्रेशन की वजह से वहां पे फिर जब ग्लूकोज ज्यादा फिल्टर हुआ तो वहां से फिर वाटर भी ज्यादा जो है वो फिल्टर हो जाएगा। जब वाटर भी ज्यादा वहां पे गया उसको बैलेंस करने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड में, फिर वहां पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम हो गई। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम होने का मतलब है एक्सक्रीशन ज्यादा हो गई, और एक्सक्रीशन ज्यादा हुई तो इसका मतलब है कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया। समझ आइए ये चीज बच्चों, ये चीज समझ आई है मैम? आगे चलते हैं। दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। एक सेकेंड। हाँ जी, दो तरह की डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 है उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। वो क्या होती है, अर्ली ऑनसेट होती है, यंग एज ग्रुप में होती है मोस्ट कॉमनली, और ये होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन और इंसुलिन की अमाउंट, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। इंसुलिन की प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, हमारे पैनक्रियास में बीटा सेल्स हैं, आइलेट्स ऑफ पैनक्रियास में बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। जब वो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो वो आगे फंक्शन अपना जो उसका नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। नॉर्मल फंक्शन उसका क्या है वो आगे देखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं सेल्स। बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन ऑटो इम्यून है, यानी कि हमारी अपनी बॉडी के अंदर ही ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और उसको हम ब्लड में डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि इसमें वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाली हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी पेशेंट्स हैं टाइप 1 डायबिटीज के उनमें सर्कुलेटिंग इंसुलिन का लेवल बहुत लो होता है, और वो किटोसिस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि उनमें इंसुलिन प्रेजेंट ही नहीं है। लेस कॉमन है ये, और इसकी कोई जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी नहीं है, ये फैमिलीज में रन नहीं करती। इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है, इंसुलिन पैनक्रियास से बनी और ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई। दूसरी तरफ क्या हुआ, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ग्लूकोज उधर से आई, इधर से इंसुलिन बन के आई, और दोनों आपस में एक यूनिट बना लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही सही, डिस्टॉर्शन हो रही है। बेटा ये इंसुलिन एंटर हुई है ब्लड स्ट्रीम में पैनक्रियास से, और ये ग्लूकोज एंटर हुआ है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। हेल्दी कंडीशन में, हेल्दी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कि इंसुलिन और ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स बना के हेल्दी बैलेंस मेंटेन करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक बैलेंस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब किसी सेल ने अपटेक करना होता है ग्लूकोज को तो पहले इंसुलिन जाती है और वहां जाके बाइंड कर जाती है सेल के साथ। ठीक है, उसके रिस्पांस में क्या होता है कि सेल ग्लूकोज को अपटेक करता है और फिर उसे एज अ फ्यूल जो भी उसको चाहिए होता है एज न्यूट्रिएंट उसको यूज करता है। ये नॉर्मल फंक्शन है इंसुलिन का जो वो ग्लूकोज के साथ हमारी बॉडी में कर रही है। ठीक है, यानी इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में आई, ऑलरेडी ग्लूकोज आई भी है जीआईटी से, उन दोनों ने एक बॉन्ड बना के ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री ग्लूकोज ट्रैवल नहीं कर रहे। अब जहाँ कहीं पे भी जिस सेल को भी जरूरत होगी वहाँ पे इंसुलिन इस बॉन्ड से अलग होके जाके अटैच हो जाएगी। जब इंसुलिन जाके सेल पे अटैच होगी तो उसके रिस्पॉन्स में ग्लूकोज आके अटैच हो जाएगा उस पर, और फिर वो सेल ग्लूकोज को अपटेक कर लेगा। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। अब अगर हम इसकी बात करें कि इंसुलिन की प्रोडक्शन खत्म हो गई है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही पैनक्रियास से, उस केस में क्या होगा, इंसुलिन है ही नहीं, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे जो इनका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है एक हेल्दी बैलेंस करने के लिए वो नहीं बना, यानी कि ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, ब्लड में ज़्यादा अमाउंट हो गई ग्लूकोज की क्योंकि इंसुलिन उसके साथ बाइंड नहीं कर रही, फ्री मूव कर रही है,
दूसरी चीज क्या हो गई, इंसुलिन ग्लूकोज को हेल्प कर रही थी कि वो सेल उसको अपटेक करे. अब इंसुलिन यहाँ पे भी नहीं आ रही तो ग्लूकोज को सेल्स भी अपटेक नहीं करेंगे, तो उसकी उस रीजन की वजह से भी और ज्यादा ग्लूकोज हो गई ब्लड में अपनी नॉर्मल अमाउंट से कहीं ज्यादा एक्सीड कर गई. ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या हुआ, हेल्दी इंडिविजुअल में क्या हो रहा था, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही थी, ये ग्लूकोज सेल्स से इसने आपस में कॉम्प्लेक्स बनाया और फिर वो जाके अटैचमेंट हो जाती है. डायबिटीज के केस में क्या होता है, इम्यून सेल्स होते हैं जो जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया या बीटा सेल्स को पैनक्रियास के कि वो इंसुलिन बनाए, इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं हुई, ग्लूकोज सेल्स जो है वो ब्लड में बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि वो एक तो फ्री हो गए क्योंकि वो अटैच नहीं रहे, दूसरी चीज ये कि वो सेल भी उन्हें अपटेक नहीं करेगा तो उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज, जिसे हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज. जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है, इसमें हो सकता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही हो लेकिन उसका असर ना हो रहा हो. इसे मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं क्योंकि ये लेटर एजेस में होती है. इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ये फैमिलीज में रन करती है और 90% केसेस जो हमें अपने सराउंडिंग्स में नजर आ रहे हैं वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के होते हैं. इसका कॉज क्या होता है कि पेरिफ्रीज में यानी हमारी बॉडी में टिश्यूज में इंसुलिन की रेजिस्टेंस डिवेलप हो गई है, यानी इंसुलिन प्रेजेंट तो है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा. टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी कार्बोहाइड्रेट जैसे कि जीआईटी से हमने कहा कि ग्लूकोज आएगा, जहाँ से ग्लूकोज सेल्स आ गए. ठीक है, गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स ने प्रमोट किया इंसुलिन की सिक्रीशन को और वो ब्लड में आ गई. दूसरी तरफ क्या हुआ है, ग्लूकोज जो इन्होंने बनाई वो एंटर हो गई है ब्लड स्ट्रीम में और यहाँ से पेनक्रियाज से इंसुलिन बन के ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गई. दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म जो हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज और इंसुलिन के दरमियान में. यहाँ पे डिजीज कब आई, क्या हुआ, पेनक्रियाज ने इंसुलिन तो प्रोड्यूस की लेकिन बॉडी इज रेजिस्टेंट टू इट्स इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट ही नहीं आ रहे बॉडी में, बॉडी रेजिस्टेंट हो गई है. अगली चीज़ क्या हो सकती है, ग्लूकोज अनेबल हो गया कि वो एंटर ही नहीं हो पा रहा सेल्स में. ठीक हो गया. तीसरी चीज़ क्या है, ग्लूकोज बिल्डअप हो गया ब्लड स्ट्रीम में और उसने ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करना शुरू कर दिया. ठीक है, समझ आइए जी बच्चों, समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलते हैं, इंसुलिन क्या चीज है. अब इंसुलिन हमने पढ़ा बॉडी में बन रही है, बॉडी में बन रही है, अब हम इसको बाहर से दे रहे हैं. वो कैसे दे रहे हैं, अब बॉडी की इंसुलिन तो वर्क नहीं कर रही, ये तो रेजिस्टेंट हो गई है. टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, उसमें हमें बाहर से देनी पड़ेगी. टाइप 2 में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी हुई है, उसके लिए हमें इंसुलिन का कुछ करना पड़ेगा. तो इंसुलिन क्या चीज़ है, कैसे डिस्कवर हुई, दो लोग थे आई गेस भाई थे बैंटिंग एंड बेस्ट, इन्होंने क्या किया कि डॉग में से पेनक्रियास रिमूव कर दिया और वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकाल के चेक किया कि जब हम इसके पेनक्रियास का एक्सट्रैक्ट किसी पेशेंट को देते हैं तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन आता है, यानी कि वो ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है. तो इसका मतलब है कि इसका कोई रोल है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में. इन्होंने क्या किया कि एक डॉग में से पेनक्रियास को रिमूव कर दिया. जब डॉग का पेनक्रियास रिमूव किया तो उस डॉग को डायबिटीज हो गई क्योंकि उसमें पेनक्रियास ही नहीं था, उसके इंसुलिन नहीं बनी, उस डॉग को डायबिटीज हो गई, वो डिजीज्ड डॉग हो गया. जो इन्होंने पेनक्रियास निकाला था बाहर, उस पेनक्रियास में से एक्सट्रैक्ट निकाल के उन्होंने उसको प्योरीफाई करके व्हाटएवर जो भी करके उसको दोबारा उस डिजीज्ड डॉग में इंजेक्ट कर दिया. जब उसे उस डॉग में इंजेक्ट किया तो वो डॉग ट्रीट हो गया, जिससे उन्हें कंफर्म हो गया कि पेनक्रियास का रिमूवल से अगर पेनक्रियास अपना फंक्शन नहीं कर रहा तो डायबिटीज हो जाएगी, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर हमें इसको ट्रीट करना है डायबिटीज को तो हमें पेनक्रियास का एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो सेम इंडिविजुअल का हो या वो किसी और इंडिविजुअल का हो. ठीक है, कि इसका फंक्शन है पेनक्रियास के एक्सट्रैक्ट का कोई फंक्शन है डायबिटीज को कंट्रोल करने में. फिर उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें से आइसोलेट की प्योरीफाइड इंसुलिन, जिसको फिर हम अब यूज करते हैं. डॉग, बीफ एंड पॉक इंसुलिन हम यूज करते थे, इनके पेनक्रियास को यूज करके बनाई जाती है. इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं अमीनो एसिड्स की. जी बच्चे, कुछ कहना है आपने, जाहिर
जी मैम, मैम जो पहले इसमें लिया ना डॉग का पैंक्रियाज निकाल दिया, अब दूसरे वो पैंक्रियाज तो नहीं डाल रहे, तो वो मतलब सोल्यूशन, वो जो सोल्यूशन डाल रहा है वो इंसुलिन ही हो गया ना, तो किस तरह वो ट्रीट हो जाएगा उस? बेटा डॉग में से पैंक्रियाज निकाल दिया, अब जिसके पास पैंक्रियाज ही नहीं है उसमें इंसुलिन भी नहीं बनना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो डिजीज हो गया, उसमें डायबिटीज हो गई, अब इसी डायबिटिक डॉग को ही हमने इंसुलिन लगाई है दोबारा, ठीक है, समझ आई है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन दो अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, एक में 21 वो होती हैं अमीनो एसिड और एक में 30 अमीनो एसिड होते हैं, दो चेन्स होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है ह्यूमन की, पॉक की और बीफ की इंसुलिन में, जिसमें से ह्यूमन की ज़्यादा जो है वो होमोलोगस है पॉक इंसुलिन के साथ, इसलिए पॉक इंसुलिन ज़्यादा यूज होती है। और बनती कहाँ है? बीटा सेल्स में बनती है पैनक्रियाटिक आइलेट्स के। एक्शंस क्या क्या करती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फैसिलिटेट करती। जी बच्चे, मिस आपने का मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो फोक इंसुलिन होती है वो ज्यादा मिलती जुलती है टू ह्यूमन इंसुलिन ना, तो जो ये मार्केट में जो इंसुलिन मिलती है ह्यूमलिन 70-30 ये फोक से बनती है? पढ़ते हैं आगे। अच्छा मिस, इंसुलिन जो है बेटा, अब फोक की इंसुलिन थी तो हमें उसका कुछ सोल्यूशन तो निकालना था ना, अभी हम पढ़ रहे हैं कि पीछे से हिस्ट्री में क्या क्या चल रहा था, ठीक है? यस मिस, यस। इंसुलिन जो है उसके फंक्शंस क्या है? पहली चीज हम ये पढ़ चुके हैं कि वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कर रही है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, उसे लेके जा रही है स्केलेटल मसल्स तक और फैट्स तक के वहां पे वो करें। दूसरी चीज क्या कर रही है? ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को फैसिलिटेट कर रही है, यानी कि ग्लाइकोजन बनवा रही है फ्री ग्लूकोज से, जो कि स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की, ताकि फ्री ग्लूकोज ज्यादा देर तक ना रहे बॉडी में, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेस एंजाइम के थ्रू। उसके अलावा क्या कर रही है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रही है, यानी कि प्रोटीन से, फ्री फैटी एसिड से और ग्लिसरोल से इनको इनको सेव कर रही है कि वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन ना करें, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस ना करें, नई ग्लूकोज ना बनाए। इसके अलावा लाइपोलाइसिस को कंट्रोल करती है, लाइपोलाइसिस होगा तो उससे क्या होता है, लाइपोलाइसिस को कंट्रोल करेंगे तो ग्लूकोज की अमाउंट भी कम हो जाएगी। लाइपोलाइसिस से आगे फिर वही बननी है क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोज, फ्री ग्लूकोज। एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस हो रहा है, अब नॉर्मली क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो इसे कंट्रोल कर लेती है और एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रहता है। डायबिटीज के केस में क्या होता है कि ये लाइपोलाइसिस होता रहता है, अनचेक्ड हो जाता है ये, जब ये लाइपोलाइसिस हुआ उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल्स ब्लड में आ गए, जब वो फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल आए हैं लिवर उन्हें अपटेक करके एसिटाइल को ए एंजाइम बना देता है। अब वो जो एसिटाइल को ए है उसका नॉर्मल क्या फंक्शन है कि वो रीसिंथेसाइज होकर फैटी एसिड बना देता है और ट्राइग्लिसराइड बना देता है, लेकिन डायबिटीज के केस में क्या होता है कि ये प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है और वो एसिटाइल को ए कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एसीटोन, एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, जिसकी वजह से कीटोसिस हो जाता है बॉडी में, समझ आई है ये चीज बच्चों? ये समझ आई है चीज कि कीटोन बॉडीज कैसे फॉर्म हो रही है बॉडी में? यस मैम, मिस एक कर देंगे। नहीं समझ आई? जी मैं एक दफा फिर से रिपीट कर दें। बेटा होता ये है कि लाइपोलाइसिस को इंसुलिन ने कंट्रोल किया हुआ है, अब इंसुलिन की प्रेजेंट नहीं है तो लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, जब लाइपोलाइसिस हुई तो फ्री फैटी एसिड्स और फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल की अमाउंट ब्लड में बढ़ गई। अब ये फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल जब लिवर के पास जाएगा तो वहां पे लिवर एसिटाइल को प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल क्या मैकेनिज्म है कि वो एसिटाइल को दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, ठीक है, लेकिन जब वो लेकिन अब यहाँ पे इंसुलिन ही प्रेजेंट नहीं है, डायबिटिक का केस है, तो डायबिटिक केस में क्या होता है कि वो बजाय दोबारा ट्राइग्लिसराइड्स के में कन्वर्ट होने के वो कीटोन बॉडीज बना देता है, जो कि
एसीटोन एसिटिल एसिटेट या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हो, ठीक है, जिसकी वजह से कीटोसिस हो जाता है। इसके अलावा इंसुलिन क्या करती है, अमाइनो एसिड की एंट्री और उनकी सिंथेसिस जो है प्रोटीन की उसको फैसिलिटेट कर रही होती है, उसको फैसिलिटेट कर रही है, मजीद प्रोटीन बना रही है और जो ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोटीन की मसल्स है उसकी ब्रेकडाउन को स्टॉप कर रही है, इनहिबिट कर रही है, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे क्या होगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होना शुरू हो गई, जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई तो अमाइनो एसिड्स ब्लड में आ जाएंगे, जब वो ब्लड में आ गए तो लिवर उनको फिर से ले लेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने ये तीनों चीजें पढ़ी कि ग्लूकोज पे किस तरह से असर है इंसुलिन का, उसकी ट्रांसपोर्ट, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की इनहिबिशन। लिपिड्स के केस में क्या है, लाइपोलाइसिस को कंट्रोल करना। प्रोटीन के केस में क्या है कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन की इनहिबिशन, ठीक हो गया। ये तीनों पे हमने असर पड़ लिया, ग्लूकोज पे भी, फैट्स पे भी एंड प्रोटीन्स पे भी। ये इंसुलिन के नॉर्मल फंक्शन है जो जो वो बॉडी में कर रही है, लिवर में क्या कर रही है, ग्लूकोज की अपटेक को और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज कर रही है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को और ग्लूकोज आउटपुट को इनहिबिट कर रही है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रही है। मसल्स में क्या हो रहा है, ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करवाती है और इनहिबिट करती है प्रोटीओलाइसिस को एंड रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स को। एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाती है, इसके अलावा स्टोरेज बढ़ाती है एज फैट एंड ग्लाइकोजन और इनहिबिट करती है लाइपोलाइसिस को और रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। ये उसको समराइज करके सारा लिखा हुआ। अब इंसुलिन ने बॉडी में जाके क्या करना है, सारी इंसुलिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेल्स के अंदर नहीं जाती, पेप्टाइड है ये। होता क्या है कि ये जीआईटी से टोटली जो है वो डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इसे इंजेक्टेबल फॉर्म में ही देना पड़ता है और हम इसका सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 5 to 9 minutes है। इंसुलिन की प्रेपरेशन कौन कौन सी अवेलेबल है, बीफ और पॉक की प्रेपरेशन थी जिनसे पहले बनाया जाता था, उनमें ऑलमोस्ट 10,000 पार्ट्स पर मिलियन होती थी अदर प्रोटीन, जिसमें प्रो इंसुलिन या अदर पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह आ जाती थी, लेकिन वो क्या थी, एंटीजेनिक थी। एंटीजेनिक का क्या मतलब है कि या तो वो एलर्जी कॉज करती है या फिर किसी और किस्म का रिएक्शन कॉज करती है। तो फिर अब क्या किया कि उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया है और अब जो दोबारा बन रही है वो हाईली प्योरीफाइड पॉक की या बीफ की इंसुलिन है या फिर रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन है जो कि हमने बायो इंजीनियरिंग से बना करके बनाएंगे या फिर इंसुलिन एनालॉग है, इंसुलिन के जैसी चीजें हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं। हाईली प्योरीफाइड इंसुलिन प्रिपरेशन जो है वो क्या है, ये हमने हाईली प्योरीफाइड किया है इसको बीफ या पॉक के इंसुलिन से, जिसे हमने नाम दिया है मोनो कॉम्पोनेंट इंसुलिन। इसमें प्रो इंसुलिन के लेस देन 10 पार्ट्स पर मिलियन है जो कि लेस एंटीजेनिक हो गया। कौन कौन से टाइप्स हैं इंसुलिन प्रिपरेशन की जो अवेलेबल है, रेगुलर इंसुलिन, ये बफर्ड होती है, इसमें न्यूट्रल अमाउंट होती है, किस तरीके से कि इसे हमने ऐड किया हुआ है जिंक के साथ, जो रेगुलर इंसुलिन है इसे हमने स्टेबलाइज किया हुआ है जिंक ऐड करके। होता क्या है कि हम इसे इंजेक्ट करते हैं, जब इंजेक्ट किया तो ये जिंक के साथ इंजेक्ट हुई है एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, अब वो वहां जाके फिर रिलीज होती है और फिर वो स्लोली रिलीज होती है, जिसका हमें फायदा ये होता है कि वो अपना प्रोलॉन्ग एक्शन करती रहती है, थोड़ी देर तक करती रहती है। एट कंसेंट्रेशन ऑफ इंजेक्टेबल सॉल्यूशन इंसुलिन मॉलिक्यूल सेल्स एग्रीगेट कर जाते हैं, हेक्सामर्स बनाते हैं अराउंड द बेस लाइन। जब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो ये इंसुलिन मोनोमर्स जो है वो ग्रेजुअली रिलीज होते हैं और एब्जॉर्प्शन स्लोली होती है, जिसका हमें ये फायदा है कि पीक तो मिल जाती है हमें सिर्फ 2 to 3 hours में, लेकिन वो कंटिन्यू रहती है अप टू 6 to 8 hours। लेंटी इंसुलिन है, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है, इसमें भी टू टाइप्स है, कौन कौन सी है, एक है जिसमें लार्जर पार्टिकल्स यूज हुए हैं उसे हम अल्ट्रा लेंटी कहते हैं, वो लॉन्ग एक्टिंग है, एक है जिसमें स्मॉलर पार्टिकल्स यूज हुए हैं उसे हम सेमी लेंटी कहते हैं और वो शॉर्ट एक्टिंग है। अब हमने क्या यूज किया कि हमने इन दोनों का मिक्सचर 7:3 में यूज किया, जिससे हमें इंटरमीडिएट इफेक्ट मिल गया। नेक्स्ट है आइसोफेन, आइसोफेन है न्यूट्रल प्रोटामीन हेगेड्रॉन या एनपीएच, इन एनपीएच साइट आपने नाम सुना, इसमें प्रोटामीन ऐड की है
लेकिन सिर्फ इतनी क्वांटिटी में कि वो इंसुलिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना दे। फ्री फॉर्म में कोई भी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए पीएच अगेन न्यूट्रल हो जाती है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम देते हैं तो वो फिर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट करके उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंटरमीडिएट होता है। जो प्रेपरेशन अवेलेबल है, हाईली प्योरीफाइड मोनो कॉम्पोनेंट ये फोक इंसुलिन है, हाईली प्योरीफाइड मोनो कॉम्पोनेंट फोक लेंटे इंसुलिन है। रेगुलर हमने पढ़ी थी जिंक के साथ लेंटे हमने पढ़ी, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के कॉम्बिनेशन है। और हाईली प्योरीफाइड फोक आइसोफेन, आइसोफेन में हमने क्या चीज यूज की थी, प्रोटामिन यूज की थी। ठीक हो गया, ये हमारे पास तीन प्रेपरेशन है जो कि अवेलेबल है। एक्ट रैपिड रैपिडिका जो हाईली प्योरीफाइड फोक लेंटे इंसुलिन है, उसमें लेंटार्ड है, मोनोटार्ड है, हाईली प्योरीफाइड फोक आइसोफेन है जिसमें इंसुलाटार्ड है। आगे आते हैं ह्यूमन इंसुलिन पे। ह्यूमन इंसुलिन डेवलप की गई 1980s में ऑलमोस्ट सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, और उसमें हमने प्रो इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया डाला, यीस्ट में प्रीकर्सर यीस्ट रिकॉम्बिनेंट, और एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन की प्रोटीन इंसुलिन की, प्रोटीन इंसुलिन की सॉरी। जो ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल है वो कौन कौन सी है, ह्यूमुलिन आर, ह्यूमुलिन एल एंड ह्यूमुलिन एन। उसी तरीके से जैसे थी रेगुलर लेंटे और आइसोफेन, ह्यूमुलिन आर है रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमुलिन एल है लेंटे इंसुलिन, और ह्यूमुलिन एन है आइसोफेन इंसुलिन। मैम बहुत ज्यादा कम यूज होती है फोक की भी और बीफ की भी, बल्कि उसके बजाय ह्यूमन इंसुलिन या इंसुलिन एनालॉग्स ही जो है वो 90% केसेस में यूज किए जाते हैं, अनलेस के कोई बहुत ज्यादा। इंसुलिन के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, एक तो ये कि हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बहुत ज्यादा मतलब अगर नॉर्मली इंसुलिन ले ली है और उसके बाद खाना नहीं खाया या इंसुलिन की ज्यादा डोज ले लिए तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा यानी कि शुगर कम हो जाएगी। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, काउंटर रेगुलेटरी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाएगी, स्वेटिंग है, पैल्पिटेशन है, ट्रेमर है, और जिसमें डेप्रिवेशन हो ब्रेन की अगर बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए तो उसमें डिप्रेशन हो जाएगी ब्रेन की, जिसमें न्यूरोग्लूकोपेनिक सिम्टम्स आएंगे जैसे कि डिजीनेस है, हेडेक है, बिहेवियरल चेंजेस, फटीग। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि फौरन से हम उसको ओरली या फिर आईवी फॉर्म में ग्लूकोज दे देंगे, कुछ पिला दें खिला दें, या फिर कोई उसको आईवी फॉर्म में उसको फौरन से ड्रिप की फॉर्म में जो लगा देते हैं ताकि सिम्टम्स फौरन रिवर्स हो जाए। लोकल रिएक्शंस क्या होंगे, वो तो ब्लड में रिएक्शंस हुए। अब हो क्या रहा है कि जहाँ इंजेक्शन साइट पे लगाई जाती है इंसुलिन, अगर एक ही जगह पे लगाते हैं तो वहाँ से लिपिड डिस्ट्रॉफी हो जाएगी। लिपिड डिस्ट्रॉफी क्या होती है कि वहाँ उस रीजन की जो फैट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट होके वहाँ पे जो है वो निशान सा बन जाता है। ठीक है, या जैसे डिम्पल सा पड़ता है उस तरह से एक वो चीज आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं कि इंजेक्शन साइट चेंज करती रहनी चाहिए, बल्कि कोई एक मेथड इसका वो सर्कल में लगाने का है कि वो थ्रू आउट द सर्कल इसको आप मूव करते रहे। एलर्जी कॉज हो सकती है जिसमें अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, एनाफिलेक्सिस, इस किस्म की मैनिफेस्टेशन आती है। यूजेस क्या है, डायबिटीज मेलाइटस में यूज करते हैं, ऑल फॉर्म टाइप 1 डायबिटीज की जो है उसमें इंसुलिन की इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें है ही नहीं इंसुलिन पेशेंट में प्रेजेंट, उसमें तो हर चीज में चाहिए। जबकि जो टाइप 2 के केसेस हैं उसमें हमें फौरन से इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें हम पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं डाइट से, बॉडी वेट को रिड्यूस करके, एक्सरसाइज करवा के, कोई सप्लीमेंट्स दे के, या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स दे के। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का मतलब है टैबलेट के फॉर्म में कोई मेडिसिन दे के। डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि लो फैट और हाई फाइबर फूड, यानी कि फैट्स को, स्वीट्स को एंड अल्कोहल्स को सबसे कम, मिल्क, मीट और अदर सर्विंग्स जो है वो 2-3, फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की 2-4 और 3-5 सर्विंग्स इनाफ है, जबकि ग्रेन्स, बीन्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स और इनकी सर्विंग जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। टाइप 2 में अभी हमने बात की कि हम पहले कोशिश करते हैं कि हम डाइट से, एक्सरसाइज करवा के, वेट लॉस करवा के फिर हम इसको जो है पहले से ट्रीट करें। तो अब टाइप 2 में कब हमें जरूरत पड़ेगी इंसुलिन देने की, कैसे पता चलेगा कि ये अब ये पेशेंट है जो वैसे ट्रीट नहीं हो सकता, अब हमें इसमें इंसुलिन देने की जरूरत है। वो कौन से पेशेंट्स होंगे जिनमें एक तो डाइट से या एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हुआ, या फिर जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हमने ड्रग्स दी थी उनका फेलियर हो गया है, अंडर वेट पेशेंट्स हो जाए, या फिर कोई हमें सर्जरी करनी हो, कोई इन्फेक्शन कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो, या फिर प्रेगनेंसी के केस में हमें फौरन से जैसे ट्रीटमेंट चाहिए हो उस केस में, या फिर
कोई डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन साथ में चलती है जैसे कि कीटोएसिडोसिस या नॉन कीटोटिक हाइपरोसमोलर कोमा या फिर गैंग्रीन हो उस केस में भी हो सकती है। ठीक है, ये टाइप टू में रीजन है जो हम इंसुलिन देंगे। कौन कौन सी किस तरीके से दी जाती है, टाइप वन में ऑलमोस्ट 0.4 से 0.8 यूनिट्स पर केजी पर डे देते हैं, पर केजी के हिसाब से है ये बात याद रखिएगा। टाइप टू में 0.2 से 1.6 तक वेरी करती है सेवेरिटी ऑफ डायबिटीज के हिसाब से, और क्योंकि पर केजी के हिसाब से दे रहे हैं तो जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा इंसुलिन चाहिए होती है एज कम्पेयर टू लीन पेशेंट्स। नेक्स्ट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस क्या था, कब हो रहा है, नॉर्मली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में होता है क्योंकि उसमें इंसुलिन है ही नहीं और वो कीटोसिस बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में। इसमें इंफेक्शन की वजह से भी ये अक्सर ज्यादा हो जाता है। अदर कॉजेज जो है उसके उसमें ट्रॉमा, स्ट्रोक, पैनक्रियाटाइटिस या स्ट्रेसफुल कंडीशन या फिर इंसुलिन की एडिक्वेट डोज ही ना हो तो फिर आ जाता है। कीटोसिस किस तरीके से होता है एक दफा फिर देख लेते हैं इसको। इनसफिशेंट या एबसेंट इंसुलिन है, जब इंसुलिन एब्सेंट है मसल सेल पे क्या करेगी, मसल सेल से अमाइनो एसिड बनाएगी, वो अमाइनो एसिड लिवर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट सेल्स पे क्या असर होगा, ग्लिसरॉल बना देगी फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करके और फ्री फैटी एसिड्स बना देगी, ये दोनों भी लिवर में आके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और फैटी एसिड्स आके कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज ग्लूकागोन हो गया, वो क्या करेगा अगेन फिर वही फैट सेल्स में फिर वो फैट सेल्स फ्री फैटी एसिड्स वो आके कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब लिवर में क्या हुआ, ग्लूकोज आ गया, कीटोन्स आ गए और ग्लाइकोजन जो था वो भी ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनाने लगा, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया यानी ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाने लगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लगा नया ग्लूकोज बनने लगा और कीटोजेनेसिस होने लगा कीटोन बॉडीज बनने लगी। ये सब क्या करेंगी, कीटोन और ग्लूकोज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई और वो ब्लड में आ गई और यहाँ पे कीटोन और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा हो गई जिसकी वजह से फिर कीटोएसिडोसिस हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, इंसुलिन प्रॉपर दें, आईवी फ्लूइड्स दें, इसके साथ साथ पोटेशियम देनी पड़ती है ताकि हाइपोकैलेमिया को कवर किया जा सके। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स। हाइपरऑस्मोलर कोमा क्या है, नॉन कीटोटिक हाइपरग्लाइसीमिया भी इसको कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है कि टाइप टू में मोस्टली हो रहा है और इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। जब वो डिहाइड्रेशन हो गई यूरिन आउटपुट, जब डिहाइड्रेशन हुई यूरिन आउटपुट फाइनली रिड्यूस हो गया, जब यूरिन आउटपुट रिड्यूस हुआ तो ग्लूकोज की एक्यूमुलेशन ब्लड में ज्यादा हो गई, जब वो इतनी ज्यादा हो गई कि 350 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो गई तो वो कोमा कॉज करती है और फिर उससे फिर वो डेथ की तरफ लीड करता है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट में क्या है, कीटोएसिडोटिक कोमा की है जैसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है और इसमें अल्कली नहीं रिक्वायर होगी, जैसे मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट दिया था इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो एसिडोसिस था इसलिए इसको न्यूट्रल करने के लिए अल्कली दिया था। थ्रोम्बोसिस के इसमें केसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि हाइपर विस्कोसिटी हुई होती है और सर्कुलेशन भी स्लो हुई भी होती है इसलिए हम इसमें प्रोफाइलेक्टिकली हेपरिन ऐड कर देते हैं। हेपरिन एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट करने से रोकती है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कौन सी हैं? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स वो हैं जो हम यूज करते हैं कि वो जब इंसुलिन वहां पर प्रेजेंट नहीं है उसको रिप्लेस करे, या फिर इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं कर रही तो वो उससे अपना फंक्शन करवाए। लोअर करती हैं ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को और चीफ ड्रॉबैक इंसुलिन का क्या है कि वो इंजेक्शन देना पड़ता है, टेबलेट्स इजी होती हैं। जो इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहेंस करेंगी उसमें सल्फोनाइलयूरियेज आती हैं, मैग्नेटिनाइड एनालॉग्स आते हैं, ग्लूकागोन डाइपेप्टाइड्स आते हैं, डाइपेप्टाइडेज आते हैं, ये सिर्फ आप लोगों को नाम पता होने चाहिए। जो ओवरकम करती है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को इसमें बाइगानोइड्स हैं और थायाजोलिडाइनलिडियोन्स हैं। ठीक है, मिसलिनियस ड्रग्स जो आ जाती हैं वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर्स, ये चीजें जो है वो उसको हेल्प करती हैं। बात हमने की थी ह्यूमिलिन एंड ह्यूमिलिन रिटार्ड की। अच्छा, वो जो आपने पूछा था तो वो अब आपको पता चले कि होगा कि ये ह्यूमिलिन इंसुलिन 7:30 में आती है। ठीक है बच्चे।
यहाँ पे वो नहीं बताया हुआ कि कैसे देनी है और किस प्रेपरेशन में, वो हर पेशेंट पेशेंट वेरी करती हैं, इस तरह से फिर उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये बहुत है कि यहाँ पे जितनी यूज हो रही है वो सभी में यूज हो रही है। ठीक है? यस मिस, थैंक यू जी। बच्चों और कोई चीज पूछनी हो किसी ने? मैम फाइनल्स में तो इसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे ना। बच्चे फाइनल में भी बहुत टाइम है, फाइनल जब होगा तब देखना। मैम वो तो मैं बात वही तो बात कर रही हूँ कि मैम साथ साथ हमारी सिनेरियो बेस की भी प्रैक्टिस करा दें आप। मैम एंड पे समझ नहीं लगती, सिनेरियो बेस बहुत मुश्किल लगते हैं। चलो बेटा ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट असाइनमेंट भी सिनेरियो बेस्ड हो और कोई भी जो लोगों को सिनेरियो बेस्ड हो। और मैम असाइनमेंट का भी थोड़ा सा बता दें मैम, उसकी डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें, हमें बहुत लेट पता चला है। कितनी लेट पता चला? अभी पता चल गया? नो मैम एक्चुअली हमें बेटा कोई लंबी असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ चार सवाल है, 12 बजे एक घंटे में बैठ के आराम से बन सकती है, आज 12 बजे तक बैठ के बना लीजिए। जिसकी मुझे ओके मैम यस मिस छोटी सी थी, बिल्कुल आधे घंटे में हो गई थी। है तो छोटी सी, लेकिन मैंने ये पूछना था कि अब हमने सिर्फ अपना जो आपने हमें लेक्चर्स दिए हैं हमने उसी में से लिखना है? कहाँ से फिल करें बेटा, बस गूगल से जिसने कॉपी पेस्ट किया ना उसके 0 मार्क्स। ओके मैम, मींस के हम आपके लेक्चर्स में से ही सारी हेल्प लें, लेक्चर में से देख लें या फिर बुक को फॉलो कर लें? ओके मैम, ओके ठीक है। मैम एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि जब आप हमें लेक्चर्स करवाएं तो लेक्चर्स के एंड पे हमें सिनेरियो बेस का कोई थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दिया कर स्लाइड्स में से, इसमें से ये बन सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है? ओके मैम। ठीक है बच्चों, और तो नहीं किसी ने कुछ पूछना? मैम जो लेक्चर 5A की रिकॉर्डिंग है ना वो सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड्स की शो हो रही है, मतलब 5 के 2 पार्ट्स आपने अपलोड किए हुए हैं ना? मेरा ख्याल है कि मैंने कर दी थी, 2 पार्ट्स कर दी हैं उसके अपलोड। मैम उसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना, ए पार्ट जो फर्स्ट वाली स्लाइड्स है शुरू की 30 स्लाइड्स, वो 1 मिनट कुछ सेकंड्स का सिर्फ शो हो रहा है, बाकी रिकॉर्डिंग नहीं शो हो रही। जो सेकंड पार्ट है वो पूरा है। और बच्चों और किसी ने कुछ पूछना हो? जी बच्चों फिर लीव कर सकते हैं, आप लोग अटेंडेंस में ले लूंगी, आप लोग क्या लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।